वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रंटलाइन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप सभी को मालूम है कि हर सुबह 6:30 बजे हम करंट अफेयर क्लास करते हैं। सो आज के करंट अफेयर के साथ हम बिल्कुल अवेलेबल हैं, और जहाँ भी आपको डाउट होगा आप फ्रीली मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो अभी हमारे 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक तो 16 फरवरी को जो बैच शुरू हुआ है वो 12:30 बजे का है मुखर्जी नगर में, और जो 23 फरवरी का बैच है वो शाम के 3:30 बजे का है मुखर्जी नगर में। तो आपको अगर इन बैचेस से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल इन नंबरों पर कॉल करके अपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। और करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर वो है जो आपको स्टैटिक जीके भी आपका मजबूत करेगा। तो इसलिए बहुत तेजी तरीके से चीज़ों को जानते रहिए बच्चे। अभी बेसिकली हम बात करेंगे तो कल बेसिकली जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया, क्या नाम बच्चे, जियोर्गी गखारिया ने अभी क्या है रिज़ाइन दे दिया है। तो इन्होंने रिज़ाइन दिया है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जीएस के ऐसे क्वेश्चन हमें यहीं से सीखने हैं। तो जियोर्गी गखारिया ने रिजिग्नेशन क्यों दिया, इनके जो अपोजिशन लीडर हैं ये चाहते थे उनको अरेस्ट किया जाए, बट वो अरेस्ट नहीं हुए, दैट्स वाई इन्होंने विरोध में रिजाइन दे दिया है, ठीक है, त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बात आई है किसकी, जियोर्जिया की। तो जियोर्जिया पड़ता कहाँ पे है, तो जियोर्जिया आपका पड़ता बच्चे एशिया में। और इसी कैपिटल की बात करें तो इसकी राजधानी है क्या, टिबलिस। इसी कैपिटल, इसकी राजधानी क्या है, टिबलिस। एक साइड आप देखेंगे तो ये बेसिकली काले सागर को छूता है, ब्लैक सी को छूता है, ऊपर में रशिया को छूता है, दूसरी तरफ ये तुर्की को छूता है, और नीचे में बच्चे आर्मेनिया को भी क्या करता है, टच करता है, और फिर अजरबैजान को भी टच करता है। ये भी क्या करना है आपको, ध्यान रखना है। तो मैं उसकी बड़ी फोटो आपको दिखा देता हूँ जिससे चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, इजी होंगी। अगर मैं यहाँ पे दिखा दिया है मैंने आपको, बेसिकली इधर में ब्लैक सी है और इधर में तुर्की है, आपको ये ब्लैक सी, ऊपर में रशिया है, और इधर में बच्चे अजरबैजान, ठीक है। साथ में इसी कैपिटल की बात करेंगे तो टिपलिस, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो सलोमी जोरोबा चिवली। ओके, तो सलोमी जोरीबी चिवली यहाँ के बेसिकली प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की करेंसी की बात करेंगे तो जॉर्जियन लारी, ये क्या है, करेंसी है बेसिकली जॉर्जिया की। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इन चीज़ों को क्या करना है, नोट करके रखना है। चलिए, अभी बेसिकली हमने 16 फरवरी को बसंत पंचमी मनाया है, और उसी 16 फरवरी को बांग्लादेश में पहला फागुन राम से इस बसंत को मनाया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं को बेसिकली इन्होंने अपने गेटअप ये थोड़ा सा चटक रखा हुआ है, जैसे फ्लावर खुलता है वैसे ही महिलाओं ने फ्लावर वगैरह पहन भी रखा है, और इनका जो कलर है वो भी बिल्कुल बसंती कलर है। तो ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बात आई है बांग्लादेश की, तो बच्चे बांग्लादेश देखेंगे तो हमारा पड़ोसी देश है, इसकी कैपिटल क्या है, ढाका, और इसकी करेंसी क्या है, तो टका। और बांग्लादेश को भारत क्या करता है, चारों तरफ से क्या करता है, घेरता है, और अपने पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी जो हम सीमा बनाते हैं वो बांग्लादेश के साथ ही बनाते हैं, कुछ 4,096 किलोमीटर की। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अब बात आती है बांग्ला किन किन देश किन किन राज्यों को टच करता है भारत को, एक तो आपके वेस्ट बंगाल को टच करता है, आसाम को टच करता है, मेघालय को टच करता है, आप आएंगे तो इधर त्रिपुरा को टच करेगा और मिजोरम को टच करेगा। साथ में ये म्यांमार के साथ भी बाउंड्री बनाता है, यहाँ पे आप इसे देखिए ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो, ईजी हो पाए। 1971 में बच्चे ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है, और बेसिकली भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो 2 पाकिस्तान क्षेत्र बने थे, एक बना था ईस्ट पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान, जिसे जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते थे, और एक बना था पहले जिसका नाम था क्या, वेस्ट पाकिस्तान, जो आज आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये सिंपली ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली वहाँ की जो हेड है शेख हसीना, और हमारे यहाँ के बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनको भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी सेंटर ने, केंद्र ने, बेसिकली एनआईसी ने, एनआईसी ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने अभी एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च करा जिसका नाम क्या है, संदेश। तो ये भारत का डेवलप किया हुआ मैसेजिंग सिस्टम है, तो ये भी अच्छा है, और व्हाट्सएप की तरह से ये भी काम करेगा, और इसमें बेसिकली डिजिटल इंडिया के प्रमोट भी करना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इस कारण से ऐसी व्यवस्थाओं की शुरुआत की जाती है। तो संदेश ध्यान रखेंगे, संदेश किससे जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये आपका एक एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हुंडई ने
हुंडई ने अभी एक बेसिकली एक व्हीकल डेवलप करा है जो कि बिल्कुल, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है तो ट्रांसफॉर्मर मूवी में जैसे कार जो होती है वो खड़ी होकर चलने लगती है, फोल्ड हो जाती है, वैसा ही कुछ अभी इन्होंने डेवलप करा है, लॉन्च नहीं करा, डेवलप करा है। तो हुंडई ने टाइगर X1 के नाम से ये मोबिलिटी कार को डेवलप करा है। हो सकता है कि कल को ये चलन में भी आ जाए तो भी हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हुंडई ने डेवलप करा है बच्चे कॉन्सेप्ट दैट कैन वॉक, मतलब वो चल सकता है। और इसका बच्चे फुल फॉर्म अगर बात करें टाइगर का तो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट, ठीक है। तो रोबोटिक टाइगर कार है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अच्छी चीज़ें हैं ये सब, ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो हुंडई ने डेवलप करा है टाइगर X1 को, मैंने यहाँ फोटो दिखा दिया है, आपको लगेगा कि बिल्कुल ये एक स्पेसिफिक तरह की कार है। बात आई है हुंडई मोटर्स की, तो हुंडई का अगर हम बात करेंगे तो ये इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये पड़ता कहाँ पे, सियोल साउथ कोरिया में, करता कहाँ पे, सियोल साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल ही क्या है, सियोल, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आसाम की बेसिकली एथलीट है हिमा दास, जिनको दिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है। क्या, दिंग एक्सप्रेस। तो दिंग एक्सप्रेस इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्पीड बड़ी अच्छी है। इन्होंने एशियन गेम में 400 मीटर की जो दौड़ है वो मात्र 50.47 या 46 सेकंड में ही, क्या इन्होंने मतलब 50.46 सेकंड में ही क्या किया था, इस 400 मीटर की रेस को कंप्लीट कर लिया था। तो ये इनको अभी आसाम के गवर्नमेंट ने इनको अभी DCP बना दिया, DSP बना दिया है आसाम पुलिस में। तो ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, क्या करना है ध्यान रखना है। आसाम की बात आई है बच्चे, तो आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंदन सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, ठीक है। आसाम की बात करें तो आसाम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो एक तो आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, मणिपुर के साथ सीमा बनाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, तो इन राज्यों को टच करता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और साथ में अगर देखेंगे तो ये आपका बेसिकली वेस्ट बंगाल को भी टच करता है, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भूटान और बांग्लादेश के साथ, ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सर्बानंदन सोनोवाल, जगदीश मुखी जी का मैंने फोटो शो कर दिया ताकि आप ये चीज़ें ईजी रहें। और अगर मैं मेंशन करूँ बच्चे तो कई सारे नेशनल पार्क हैं आपको आसाम में, जैसे डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मनास नेशनल पार्क, नामेरी और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो आपको नेशनल पार्क के नाम से भी क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो जितना भी आपको मैं बताता हूँ इनको चीज़ों को क्या करा करिए, नोट करते रहा करिए, जैसे चीज़ें क्या हो जाए, ईजी हो जाए। आपके एग्जाम में कई बार जनजाति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्राइब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे बोडो ट्राइब पाई जाती है, मिरी पाई जाती है, मिकिर पाया जाता है, रभा, कचारी, लालुंग, दिमशा, देवरी। तो इन ट्राइब्स को आप सुनते रहें, आपको जब भी एग्जाम में ये ट्राइब्स मिलेंगे तो आप इजी रहेंगे, इसको फाइंड आउट आप कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगर बात करेंगे बच्चे तो अभी ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में एक स्कीम लॉन्च करा है जिसमें वो 5 रुपीज़ में क्या है, गरीबों को खाना प्रोवाइड कराएंगी, और इस स्कीम का नाम क्या है, माँ स्कीम। ऐसे ही बच्चे रसोई योजना नाम का स्कीम चलाया है किसने, तो राजस्थान ने, जो कि 12 रुपये, सॉरी 8 रुपये में वो क्या है, खाना प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु ने अम्मा जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने अम्मा नाम की स्कीम शुरू करा था इसी गरीबों को खाना खिलाने के लिए। तो ये सब अच्छे स्कीम है, ऐसे भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल को जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल का जो पहला, वेस्ट बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क खोला गया है, और वेस्ट बंगाल में ही बच्चे भारत का विश्व का पहला जो ट्राम लाइब्रेरी खोला गया है बच्चों के लिए। तो ये ट्राम ट्रेन बच्चे वहीं पर पहली बार चली थी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए एक इंजॉयमेंट की चीज़ होगी, और वो बहुत सारी चीज़ों को इससे क्या सीख पाएंगे। बेसिकली पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर को बच्चे अभी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया था, किसको, तो किरण बेदी को। तो किरण बेदी की जगह बच्चे अभी वहाँ पे कौन आया है, तो तमिल सई सुंदरा राजन। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, आपको ध्यान रखना है, तमिल सई सौंदरा राजन। तमिल सई सौंदरा राजन बेसिकली गवर्नर हैं कहाँ की, तो तेलंगाना के। तो इनको अभी एडिशनल चार्ज कहाँ का दे दिया गया है, तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है पौंडीचेरी का। और बेसिकली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जो पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं बच्चे, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत के मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो असेंबली है, एक तो आपका दिल्ली है, दूसरा पौंडीचेरी है, और तीसरा बच्चे जो होगा वो कौन होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो फिलहाल अभी 2 में है और 1 में अभी क्या है, जब होगा तो हो जाएगा, हालांकि संवैधानिक रूप से है बट होगा,
ठीक है, तो अभी सीएम नारायण स्वामी जी की जो सरकार है उसमें माइनॉरिटी में आ गई है, मतलब इनके विधायक कुछ इनसे अलग हो गए हैं। तो अब ऐसे में सरकार को अपना कॉन्फिडेंस शो करना होगा, अपना बहुमत शो करना होगा विधानसभा में। तो इसके लिए तमिलसाई सुंदरा राजन ने इनको मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए 22 फरवरी का समय दिया है कि अपनी मेजॉरिटी को क्या करें, प्रूफ करें। ऐसे ही बच्चे हमारे यूनियन मिनिस्टर, पूर्व यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सतीश शर्मा जी, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, 3 बार ये राज्यसभा सांसद रहे हैं, और जब 1991 में राजीव गांधी जी का निधन हुआ था तो अमेठी की सीट खाली हो गई थी। तो अमेठी की सीट खाली होने के बाद क्या किया गया था, सतीश शर्मा जी को वहां से सांसद का चुनाव लड़ा दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होगा। सतीश शर्मा जी बेसिकली यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस के, भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बेसिकली कल जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें जो डेटा दिया था उसी हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चन भी पुट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था जो पेयजल सर्वेक्षण है वो कितने शहरों में किया जाना है, तो मैंने आपको बताया हुआ था 10 शहरों में पेयजल सर्वेक्षण को किया जाना है। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया था कि अभी आज ये बताया मैंने आपको कि गवर्नमेंट ने कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, तो ये संदेश नाम का भी बच्चे इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च करा है। साथ में बच्चे किरण बेदी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया है पौंडीचेरी से, तो उनकी जगह पे कौन आया है, किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो बच्चे जैसा मैंने बताया तमिल सही सौंदरा राजन। ये क्या करना है आपको, ऐसे डेटा याद रखना है ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो, इजी हो। तो जैसे मैं आपको मेंशन कर दूं कि फ्रंट लाइन अपनी 16 तारीख को नया बैच शुरू करेगा, मतलब 16 तारीख को से बैच चल रहा है 12:30 बजे का, अभी इसमें डेमो ही चल रहे हैं, और 23 तारीख से बच्चे 3:30 बजे का बैच है, आप इसे भी क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। 5 डेमो हमारे यहाँ फ्री है, बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को, अगर आपको कोई डाउट आते तो आप इन नंबरों पर कॉल करके क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज जुड़ने के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको डाउट आए फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और बिल्कुल आप इस जो करंट अफेयर है हमारा 10 मिनट का, आप इसको कहीं भी देखिए, कहीं भी सुनिए, और मैं बार बार कहता हूँ ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, आपको ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी देता है। तो 10-12 मिनट आपके लिए बहुत ही कहिए तो लाभकारी होंगे, जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि सर मैं थोड़ा, मतलब अगर मैं तेज पढ़ाता हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर थोड़ा तेज है, स्लो है तो भी बता सकते हैं सर स्लो है। आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू योर बेस्ट, गेट योर बेस्ट, और पूरा दिन आपका है, जियो और पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।